हेलो दोस्तों, कोलकाता के स्ट्रीट फूड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो आज एक कोलकाता का स्ट्रीट फूड डेलिकेसी लेके आया हूँ, जो कि है पनीर काठी रोल। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। पनीर काठी रोल बनाने के लिए पहले हम पनीर के फिलिंग बना लेंगे। एक बोल में 2 टेबलस्पून कर्ड डाल के अच्छे से बीट कर लेंगे। फिर आधा चम्मच करके हर एक मसाले को डाल देंगे और लास्ट में 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर तंदूरी मसाला है तो इसमें 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला भी ऐड कर दीजिए और फिर 100 ग्राम पनीर डाल के मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। काठी रोल बनाने के लिए हम 1 कप मैदा लेके उसमें 1/4 टीस्पून नमक और चीनी डाल के 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैदे को अच्छे से गूंद लेंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर एक पैन में हम 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लेके अनियंस और कैप्सिकम को फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें मैरिनेटेड पनीर डाल के वेजीज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून शक्कर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल के सौते कर लेंगे। फाइनली हम रोल को प्रिपेयर करेंगे, इसीलिए हम मैदे का एक पेड़ा बना लेंगे और उसको अच्छे से इस तरह से बेल लेंगे। फिर एक पैन में हम 1/2 टेबलस्पून तेल लेके पराठे को फ्राई कर लेंगे। पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर पराठे को पैन से उतार लेंगे। फिर इस पैन में हम एक अंडे को बीट करके फ्राई कर लेंगे और अंडे जैसे ही पक जाए हम उसके ऊपर पराठे को डाल देंगे। अभी ऐसे प्रेस करके हम दोनों चीज को एक कर लेंगे। पराठे जैसे रेडी हो जाए हम उसे उतार लेंगे। फिर उसमें हम स्टफिंग भरेंगे। पनीर को इस तरह से हम पूरे रोल में फैला लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम अनियंस डालेंगे, थोड़ा सा नींबू का रस और फिर चाट मसाला डालेंगे। फाइनली आप इसमें केचप डालिए और चॉप ग्रीन चिली। अभी आपका स्टफिंग रेडी है। अब देख सकते हो कि स्टफिंग कितना कलरफुल दिख रहा है। नेक्स्ट हम इसमें इस तरह से एक बटर पेपर डाल के रोल कर लेंगे और बन गया आपका कोलकाता स्टाइल पनीर काठी रोल। कोलकाता में ये एक बहुत ही पॉपुलर इवनिंग स्नैक है, तो आप जरूर घर पे इसको ट्राई करना। बंगाल मल्टी क्विजिन स्ट्रीट फूड के लिए बहुत ही फेमस है। तो अगर आपको ऐसे ही कोई इजी रेसिपीज या तो चटपटा रेसिपीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दीपन्स डेलिकेसी में। साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे।